राम लक्ष्मण, करण अर्जुन, ये सारे मीम्स बन रहे हैं सोशल मीडिया पर सिद्धार्थ और असीम को लेकर। रोमियो जूलियट तो नहीं कह सकते अभी तो, मतलब क्या अनबन इतने कभी इधर रहता है, कभी पोलार रहता है, कभी इतने क्लोज आ जाते हैं। अभी जो हुआ है ना, अभी जो हुआ है ना, उसके बाद तो नहीं होना चाहिए। अब तो सिद्धार्थ को अगर वो आसिम के साथ दोस्ती कर भी लेता है तो भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या हो रहा है ना, ये क्लियरली दिख रहा है कि बंदा अकेले बैठा हुआ है। आप उसके मुंह पे जा जा के बात कर रहे हो, है ना, तूने क्या बोला, तूने मुझे 4 बार धक्का दिया, तूने ये किया, तूने वो किया, वो बात भी नहीं कर रहा तुमसे, कहीं वो दूर बैठ के कहीं किसी और के बारे में बात कर रहा है, तुम उसमें भी टपक पड़ रहे हो। अगर सिद्धार्थ कहीं अकेला बैठा है, तुम उसमें भी आके बात करो, उसके मुंह पे आ रहे हो, कोई भी करेगा, कोई भी हटाएगा। कौन सी बात यहाँ पर बड़ी होती है काम में, मुझे प्लीज बताओ यहाँ पर, क्योंकि व्यूअर्स जानना चाहेंगे आपका ओपिनियन, धक्का देना या किसी को गाली देना। देखो गलत दोनों है, लेकिन अगर आप ऐसा किसी के मुंह पर आ जाओगे वो तुम्हें हटाएगा ही हटाएगा, और अगर आपको पता है कि वो शॉर्ट टाइम पर है, आपका दोस्त रह चुका है, इतनी बार आपको सपोर्ट किया है, नॉमिनेशन से बचाया है, ये फूड डिलीवरी वाला टास्क था, उसने सीधा कहा कि असीम को डिलीवरी करो, कहा था ना, ये इतनी बड़ी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चाहे तो अपनी गेम खेल सकता था, लेकिन सिद्धार्थ ने हमेशा असीम को सपोर्ट किया है। उसके बाद तब आप जानते हो, आप दोनों की दोस्ती ऐसी रह चुकी, आप जानते हो कि बंदा शॉर्ट टेम्पर है, उसको इंस्टिगेट करेंगे तो वो हो भी जाएगा, आप फिर भी करें तो मतलब आपका मोटिव ये है कि वो हाथ उठाए और घर से बाहर निकल जाए। लेकिन जो चैनल बैठा है ना, वो भी बेवकूफ नहीं है, उनको भी दिख रहा है, तो ये बार बार जो यूं मुंह पर आना होता है ना, ये गलत है। बंदा आपसे बात नहीं कर रहा है, आप फिर भी आके चीख रहे हो, तूने क्या किया, तूने क्या बोला, तूने हाँ, तूने ये बोला, तूने वो बोला, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। मुझे नहीं पता अब फैन बेस किसका कैसा है, किसका ज्यादा है, कौन किसको ज्यादा सपोर्ट कर रहा है, बट जहां से मैं देख रही हूँ, जितना मुझे समझ में आ रहा है, मेरी नजरों में अब आसिम की वो इज्जत नहीं होगी, क्योंकि वो इंस्टिगेट कर रहा है सिद्धार्थ को, बार बार कर रहा है। देखो दोस्तों में जब लड़ाई होती है ना, तू तू मैं होती है, गाली दी, थोड़ी धक्का मुक्की कर ली, ठीक है, लेकिन ये दिख रहा है कि किसी मोटिव के साथ कर रहा है, ये बार बार कर रहा है, नॉट रिक्वायर्ड, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। ये क्यों किया, पिछले हफ्ते इतनी तारीफ हो रही थी आसिम की, सलमान ने भी तारीफ की, तुम उस ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, क्या हुआ ऐसा, तुम बहुत बड़े, क्या क्या मतलब हुआ क्या ऐसा। लेट्स सी द काउंटर पार्ट ऑफ द स्टोरी, काउंटर नैरेटिव, यहाँ पर यह भी देखना चाहिए कि क्या असीम को हक नहीं है सोलो होकर खेलने का, क्या उसको हक नहीं कि वो तुम्हें पूरा हक है, तुम सोलो खेलो ना, तो तुम शुरू से सोलो क्यों नहीं खेल रहे थे, तुमको पूरा हक है, तुम सोलो खेलो, पर तुम किसी और को क्यों इतनी उंगली कर रहे हो, तुम जबरदस्ती का क्यों चीख चला रहे हो, वो कह रहा है क्यों फट रहा है, क्यों फट रहा है, भाई फट तो तू रहा है, पागलों की तरह चीख तो तू रहा है, पागलों की तरह उसके पास जा जाके उसके मुंह पे तुम कर रहे हो, ये सिद्धार्थ नहीं कर रहा है। आप देखिए पूरे मुद्दे को उठा के देखिए, पूरी ये रामायण जो 2 एपिसोड से बोर कर दिया है, इसमें आप जाकर देखिए कहीं पे भी सिद्धार्थ सामने से नहीं गया है, आसिम के पास सिद्धार्थ नहीं गया है, असीम ही आ रहा है बार 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 बार, तो आप खेल ही ना सोलो, लेकिन आप किसी को और को उंगली क्यों कर रहे हो, आप किसी और को गिराने की कोशिश क्यों कर रहे हो, आपको पता है वो स्ट्रांग है, आपको पता है कि आप उसको उंगली करोगे, आप क्या चाहते हो कि वो आप पे हाथ उठाए, वो घर से बाहर चला जाए, आपका कॉम्पिटिटर हट जाए, कि क्या मोटिव क्या है, इस किस बात की इतनी फ्रस्ट्रेशन है, आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रहे हैं यहाँ से, बहुत ज्यादा। असीम के फैन ये भी बता बोल सकते हैं, ये भी उनका ओपिनियन हो सकता है कि शुरुआत के कुछ दौर में उनको सपोर्ट चाहिए था शुक्ला का, जो उनको मिल गया एज अ फ्रेंड, तो अभी तो मैं उभर कर आ रहा हूँ एज अ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट, तो मैं क्यों ना आऊँ। अरे तो आओ ना, बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि इस घर में कोई आपका दोस्त नहीं है, आज जो दोस्ती है वो कल टूटेगी, आज जो अच्छा खेल रहा है वो कल कहीं ना कहीं गलत होगा, जो कल तक बुरा खेल रहा था वो कहीं ना कहीं अच्छा होगा, इक्वेशंस चेंज होगी, स्ट्रैटेजीज चेंज होगी, डिपेंडिंग ऑन दी कॉन्सिक्वेंसेज एंड दी सिचुएशंस, ये रोज बदलेगा, आपको सोलो ही खेलना है, लेकिन क्या करके आप सोलो खेल रहे हैं, आप किसकी पीठ पे पैर रख के आप आगे बढ़ रहे हैं, किसकी छाती पे पैर रख के आप आगे बढ़ रहे हैं, जनता तो सब देख ही रही है ना, वोट तो जनता को ही करना है, तो आप ये सारा चीज़ें ध्यान में रख के आगे बढ़िए।